काफी हो, सो जाओ, मजा आदमी कर रहा हूँ। छह सवाल में मन में था। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जान चाहेंगे संजय जी, क्या कुछ पाइपलाइन में है और किस तरह के गाने आप लेकर आ रहे हैं, या क्या कुछ आ चुका है आपका हाल फिलहाल में गाना? मेरे पाइपलाइन में कम से कम 20 गाने हैं। 3 गाने चंडीगढ़ हिमाचल में कल से शूट होने जा रहे हैं, पूरे क्रू वहां पहुंच चुका है। कल एक गाना मैंने रिलीज किया है, 5 परिंदे 5 दरिंदे। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, जो किसी से केस नहीं सॉल्व होता वो करती है। और एक्शन, हमने 3 मिनट के गाने में पूरा एक्शन दिखाया है और उसका प्रतिसाद बहुत अच्छा हमको मिल रहा है। एक गाना और भी तो आपने रिलीज किया, उसका क्या नाम है? वो इसके पहले घर आजा परदेसी, याशिका बसेरा जी के साथ बहुत सुंदर गाना, जो जिसे हम कह सकते हैं एक राजस्थान के राजा रानी का वर्णन हमें उसमें किया है, और बड़ा ही खूबसूरत और लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज वो गाना 500,000 के ऊपर है। आप किस से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना म्यूजिक किसी और कंपनी में देते हैं या खुद का अपना जो भेड़िया फिल्म स्टूडियो पे रिलीज कर रहे हैं? क्या आइडिया है आपके मन में आने वाले समय के लिए? मैं अपने खुद के लेबल बेडिया फिल्म म्यूजिक, अपने लेवल पर ही मैं गाने रिलीज करता हूँ। मैं किसी बड़ी कंपनी जी टीवी को, किसी को, बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया है गाने के लिए, पर मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी को देता नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आम जनों तक ये गाना जाए, और मेरे यहाँ जो लोग अभी तक काम कर चुके हैं उनमें तकरीबन तकरीबन सभी आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर, सभी को बड़े बड़े काम मिलने शुरू हो गए हैं। तो मेरी इच्छा हैदर भाई यही है कि मैं नए लोगों को प्रोजेक्ट करूं, नए लोग आए, और नए लोगों को मैं म्यूजिक भी देता हूं। जो राजा परदेसी के जो म्यूजिक डायरेक्टर है शाकिर, और उनके जो सिंगर है वो इतनी बेहतरीन सिंगर है, वो क्रिश्चियन है, और हिंदी में जो उन्होंने जिस शब्दों से गाना गाया है, आपको ऐसा लगेगा कि आशा भोसले जी हो या लता जी जैसे जिन शब्दों में गाती थी। मैं तुलना नहीं करता लता जी के साथ उनकी, पर एक क्रिश्चियन लड़की होने के बावजूद वो जो शब्द पकड़ कर गाना गाना, सुर में गाना, तारीफ काबिल था और बहुत सुपर डुपर हिट हुआ है। इसके पहले का जो गाना था वो भी ट्रेंडिंग में गया, हमारे 10 में से 3 गाने तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और सारे नए लोगों को हम मैक्सिमम काम देते हैं, जो हीरो हीरोइन हो। हमारे यहाँ कोई कास्टिंग वास्टिंग ये सब कुछ होती ही नहीं है। हमको लगता है कि ये बच्चा ये बच्ची इस गाने में परफेक्ट जा रही है, हम उसको लेते हैं और शूट करने लगते हैं। अभी आपने कितने गाने मिनिमम रिलीज कर दिए? हमने कुछ तकरीबन 6-7 महीने के अंदर 10 से ऊपर गाने रिलीज हो चुके हैं हमारे, बड़ी स्पीड में किए हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल ने जिस गति से प्रोग्रेस हुआ है तो लोग भी बड़े सरप्राइज हैं, और हमें यूट्यूब से भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो आगे का क्या प्रोग्राम, सिर्फ म्यूजिक ही है तुम तक आप रहेंगे या उसके बाद भी कुछ और करने देखिए हैदर भाई, अगर मेरा पास जाने तो मैं पहले भी फिल्में बना चुका हूँ, फिल्में बनाते रहता हूँ। कहीं मैं आनंद पंडित मुझे फिल्म के अंदर भी रहता हूँ, और एक फिल्म बॉम्बे 4, ये मुंबई डोंगरी की एक स्टोरी है, जो समद खान करीम लाला के बेटे की एक स्टोरी हमने डेवलप की है। हमारे पास में सब हो गया है, खाली एक स्टार फाइनल होना हमारा बाकी है। जिस दिन वो हो जाएगा तो हम बॉम्बे 4 एक फिल्म भी शुरू कर देंगे। अच्छा, और
क्या आपके माइंड में है आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ और हरियाणा और यूपी में गाने शूट कर रहे हैं, तो क्या इंटरनेशनल भी आप शूट करने वाले हैं? नहीं, हमने अभी चार गाना जो रिलीज हुआ है, हमारे तीन गाने जो रिलीज हुए और पटाया में शूट किए थे हमने। एक गाना हम 15 दिन 20 दिन में, तन्हाइयों का सफर याशिका जी का है, वो जो रिलीज होगा वो भी पटाया पटाया में हमने शूट किया था। हम विदेश में भी जाते हैं तो एक साथ 4-5 गाने शूट कर लाते हैं। क्या मकसद है कि आपने अपने खुद के लेवल को ज्यादा तवज्जो दी? कई सारे ऐसे म्यूजिशियन है, कंपोजर है या लोग है जो दूसरे ब्रांड की ओर ज्यादा जाते हैं, बड़े ब्रांड है जिसे मार्केट में, आप क्यों खुद का क्यों अपने? दूसरे ब्रांड के पास में जाना इसलिए पड़ता है कि खुद में हिम्मत नहीं होती चैनल चलाने की, और मेरे में हिम्मत है एक चैनल चलाने की। मैं अभी तक चैनल चला रहा हूं, और आगे ऊपर वाले ने चाह, भगवान ने, लोगों ने, सारे व्यूवर्स ने मुझे साथ दिया, तो आसमान बुलंदी हम छुएंगे। हमारा बेड़िया फिल्म म्यूजिक आसमान बुलंदी छुएगा। उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जो नए एक्टर एक्ट्रेसेस को मौका देते हैं, ये बात आपने डंडी की चोट पर कही, तो जी किस तरह से लोगों का अप्रोच हो रहा है, जो नए जो न्यूकमर्स है, कैसे आपसे जुड़े हैं और कैसे वो लोग आपके साथ आगे काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है, लोग हम अप्रोच करते हैं किसी न किसी के थ्रू करते हैं। कोई आर्टिस्ट हैदर भाई के थ्रू आ जाता है, कोई और किसी किसी के रेफरेंस से आता है। हम फोटोज देखते हैं, अगर फोटो कोई भी रेफरेंस से हमें आ जाए, हम कास्टिंग वास्टिंग पर भरोसा नहीं करते कि भाई कास्टिंग होगा, उसके कुछ पैसे लगेंगे, ऐसा वगैरह हमारे यहाँ हमारे प्रोडक्शन में कुछ नहीं। फाइनेंस एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो ऐसे में कैसे आप उससे डील करते हो और कैसे, जैसे आपने कहा पॉलिटिशियंस को भी आप शूट करते थे, जैसे देखिए, हमने 6 महीने में 10 वीडियो रिलीज कर दिए, और हमारे एक एक वीडियो में आप देखिए, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लोकेशन की, आर्टिस्ट की, बाकी पूरी टीम हमारी बहुत जबरदस्त टीम है। और जब खुद में हिम्मत है तो ही तो मैं आगे बढ़ा हूं। ना मैं किसी से फाइनेंस लेता हूं, ना किसी को फाइनेंस देता हूं, मैं मेरी ताकत के ऊपर करता हूं जो करता हूं। आपने कहा कि लगभग 20 गाने पाइपलाइन में है, जी इतना बड़ा एक पुलिंदा है, आप कहे इतने बड़े गानों की जो फेहरिस्त है, इतना आसान नहीं होता बना, कोई कैसे आप पूरा अप्रोच करें? ऐसे तो नहीं साल भर पूरा आप बिजी एक के बाद एक गाने शूट कर रहे हैं, नहीं, कैसे? नहीं नहीं नहीं, हमारा सबसे पहले तो प्रोडक्शन हाउस के पास पैसा होना जरूरी है। कितने प्रोडक्शन हाउस के पास पैसा होता है पर टीम नहीं होती। जैसे डायरेक्टर हुए, जैसे मेकअप मैन हुए, जैसे एडिटर हुए, मेरे डायरेक्टर मुनीश कल्याण और मेरी जो जितनी स्टार कास्ट की टीम है, मैं याशिका से लेके कोई भी स्टार कास्ट देख लीजिए, सब फैमिली के जैसे हैं, पूरे पूरे लोग हमारे फैमिली के जैसे हैं। और हमने एक प्रोजेक्ट नक्की कर दिया, आप यकीन मानिए, एक दिन में एक गाना शूट करते हैं, पर हम एक गाने के लिए नहीं जाते, हम 5 गाना एक साथ लेकर जाते हैं, और 5 5 गाने का आर्टिस्ट एक साथ लेकर जाते हैं, और 5 गाना 5 दिन में शूट करते हैं, और फिर उसको हमारे एडिटिंग रूम में आता है। बहुत अच्छा लड़का है गगन, जो पंजाब से है, बहुत प्यारा बच्चा है, और बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे डायरेक्टर मनीष कल्याण बहुत काबिले तारीफ काम करते हैं। बाकी हमारे जो कैमरा मैन है, इनका नाम है लेंसमैन, हम उनको लेंसमैन से के नाम से बुलाते हैं, वो इतना जबरदस्त काम करते हैं, तो मुझे तो कभी शूट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे बच्चे इतने आसानी से काम संभालते हैं, और मेरी कंपनी का पीआरओ हैदर और इनके भाई दोनों संभालते हैं, तो मुझे ना यहाँ तकलीफ होती है ना वहां तकलीफ होती है। आपने अभी जिक्र किया फिल्मों का भी, यानी कि आप सीमित नहीं है सिर्फ गानों के लिए, आप मीडिया फिल्म स्टूडियो को आगे भी ले जाना चाहते हैं, फिल्म में या वेब सीरीज वगैरह भी शायद पाइपलाइन में होगी, तो फिल्म के बारे में नहीं, अगर थोड़ा मैं वेब सीरीज पे कोई भरोसा नहीं करता। बरखा फिल्म मैंने बनाई थी, ताशा को मैंने ब्रेक दिया था, और बॉम्बे 4 का मैंने जिक्र किया है, जो एक मुंबई के गैंगवार पर है, करीम लाला का बेटा और दाऊद की बिगनिंग कैसे हुई। बाकी हमारे स्टोरी पर और राइटर सारे काम कर चुके हैं,
मैं ऐसे हीरो की तलाश में हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे 20 जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें हमें अच्छे लड़के, अच्छे हीरो और अच्छी एक्ट्रेस की जरूरत है। अगर जो कोई भी मेरे से संपर्क करना चाहता है वो हैदर भाई आप लोगों से संपर्क कर ले और मेरे तक अपनी प्रोफाइल लेके आए, अगर आप थोड़ा भी उस काबिल होंगे तो मैं जरूर लूंगा। सब पता है हैदर भाई को, सब पता है ईमेल आईडी वगैरह, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कुछ फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं धमाका आपकी तरफ से आने वाले टाइम में? बिल्कुल 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 फैंस, मैंने तो फैंस से भी कहा है कि आप में से भी कोई प्रतिमा हो तो आइए कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको काम देंगे। और हैदर भाई का आपने कई बार जिक्र किया है, बताओ राइटर बताओ एक्टर का भी प्लेंटेड है उनके साथ भी आगे कुछ प्रोजेक्ट? हाँ हाँ, इनको तो हीरो एज ए हीरो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हैदर भाई को, और इनके जो छोटे भाई है एनके वो मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, छोटे भाई के जैसे हैं, बड़ा प्यार करता हूँ उनको मैं, तो मुझे पीआरओ वाला जो मेरा सेक्शन है वो संभाल लेते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती, और भी बहुत सी चीज में मेरी मदद करते रहते हैं ये, मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ बोलना चाहिए?